नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। जिला हरदोई के ग्राम हरपालपुर निवासी दिनेश देवल ने अपने ससुराल जिला पीलीभीत के थाना पूरनपुर के ग्राम पिपरिया दुलई निवासी अपने ससुर अनिल देवल के निवास पर अशोक खुराना एंड जागरण पार्टी के द्वारा विशाल दुर्गा जागरण कराया। हो गया उसने आगे दिखाई और तुमने बोले एक बात और बताओ, तुमने रावण की अशोक वाटिका क्यों डाली? आधा आम खाया आधा फेंक दिया। बोले ये बताओ, जैसे अक्षय कुमार बेहोश हुआ जितनी भी लंका की चुड़ैल थी क्या थी? जरा हाथ उठा करके बताओ, बिल्कुल सीधे करके। कौन का घड़ी चुड़ैल मुझे दे रही है? तुझे नहीं कह रहा वही बंदर को तुम्हें टक्कर खा जाऊंगी। और सामने खड़े राक्षस ने मुझे देखा, बोले बंदर को तो मैं भोंक के खाऊंगा। राम जी बोले हनुमान, हनुमान जी बोले नहीं आई माने और काट ली गर्दन ध्यानों ने मैया बताई, जिसमें गायक कलाकार तारिक किशोर व संजू पागल के द्वारा माता रानी के भजन व झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। दुर्गा के जयकारों से पूरा जागरण पंडाल गुंजायमान हो गया। वहीं गायकों के गीतों को सुनकर भक्त जन झूम उठे। सुबह के समय तारा रानी की कथा के बाद प्रसाद वितरण हुआ। हमारे सहयोगी राजेश कुशवाहा ने गायकों से वार्ता की, देखे या वार्ता। हर साल कराते हैं और आगे आपकी क्या इच्छा है? आगे भी मतलब जितना माता जी देंगे उतना ही मतलब हम माता रानी की सेवा करते रहेंगे। अच्छा अच्छा, हमेशा हमेशा माँ सेना देती रहे। अच्छा, नेहा देवी ये श्रीमान जी कौन है? अच्छा, नेहा देवल जी कौन है आपके? अच्छा, आपके परिवार में और भी लोग आए होंगे? अच्छा, मतलब आप रहने वाले यहीं के हैं या बाहर के हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जी अशोक खुराना, क्योंकि मैं मोहल्ला गणेश के पूरनपुर का निवासी हूँ। मैं सन 1976 से जो कि पूरनपुर में नगर में जागरण पार्टी को उम्मीद रखने वाला व्यक्ति हूँ। अच्छा। और माँ की बड़ी असीम कृपा है, तमाम पार्टियाँ हमारे सामने पूरनपुर में आई, उत्पन्न हुई, लेकिन चंद दिनों में वो पार्टियाँ बंद हो गई। महारानी बस किसी तरीके से असीम कृपा करती रही है और करती रहेगी, और हम भी अपना जीवन पर्यंत महामाई की सेवा में लगे हैं और लगे रहेंगे। सच्चे ये दाद ट्वेंटी फोर के द्वारा आप हमारे श्रोताओं को संदेश देना चाहेंगे? श्रोताओं को ये संदेश है कि ये मानव का जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। लोग कहते हैं अभी तो मैं बालक हूँ, भजन करने के लिए बहुत जिंदगानी पड़ी है, तो मेरी सभी से प्रार्थना है, ये हमारा जो शरीर है एक ये माटी का पुतला है, इसका पल भर का भरोसा नहीं है, तो जितना भी हो सके अपने जीवन में ईश्वर का भजन जो भी जिसको मानता हो उसके निरंतर भजन कीर्तन में जो है ध्यान में अगर मगन रहेगा तो वास्तव में उसका भविष्य, उसका परिवार जीवन में सदैव खुशियों से फले फूलेगा। यही मेरी कामना है कि आप सभी लोग भगवती के पंथ से या जिसको जो मानता है उससे आप लोग जुड़िएगा, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है और शक्ति में ही भक्ति है। शक्ति जब हमारे हमें प्राप्त होगी तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। जय माता दी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।